हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हूँ सेंट जॉन्स की ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी जो नॉलेज है वो गेन की। अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट इन सब चीजों से पहले हमें एक चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, और वो क्या है? वो है किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताने से पहले एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, उनका मोशन किस टाइप का होता है और उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज होगी, इसलिए पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम एक कंडक्टर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कंडक्टर लिया, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपके पास में इस तरीके से, किसी पर्टिकुलर लेंथ का है, सपोज कीजिए एल लेंथ का कंडक्टर है, इस तरीके से कंडक्टर है, दैट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी होंगे। जैसे ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, जैसे बनाए मैंने इस तरीके से, ठीक। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब हम इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे होते हैं, दैट मीन्स नो एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन दैट कंडक्टर, उस केस में क्या होता है? उस केस के अंदर इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मतलब रेंडमली मोशन करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, इसको स्ट्राइक किया, फिर ये आ गया यहां पे, इसको स्ट्राइक किया, इसने इसको स्ट्राइक किया, फिर इसने इसको स्ट्राइक किया, फिर इसने इसको स्ट्राइक किया, ऐसे ये आपस में कॉलिजन करते रहते हैं जिगजैग मोशन के अंदर इस तरीके से, जैसे इसने इसको किया। अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है इस केस में, और अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो हम साफ साफ ये चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो करंट को प्रोड्यूस करता है, तो इस केस में भी करंट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन बताता हूं आपको। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ये जिगजैग मोशन करते हैं, सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इस एंड की तरफ गया कंडक्टर के, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और उस सेकेंड एंड की तरफ, तो इस तरीके से इनका जिगजैग मोशन होता है, उल्टा सीधा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में। तो जो नेट वेलोसिटी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी जीरो। जितना इस साइड में वेलोसिटी थी उतनी ही इस साइड में वेलोसिटी है, जितनी ऊपर थी उतनी ही नीचे है, जितनी दाएं थी बाएं थी, हर जगह की जो वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी वो जीरो निकल के आएगी। सपोज कीजिए कि ये U1 वेलोसिटी से है, ये U2 से है, ये U3 से, इस टाइप से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर है, तो नेट जो वेलोसिटी है n इलेक्ट्रॉन्स की वो U1, U2, U3 एंड सो ऑन, UN जो वेलोसिटी बनी है उनकी नेट वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो जीरो निकलेगी। और अगर नेट वेलोसिटी जीरो आई है तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस एंड से इस एंड की तरफ और इस एंड से इस एंड की तरफ, तो जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो भी जीरो हो जाएगा। जितना चार्ज इस एंड से इस तरफ आया था उतना ही चार्ज यहां से इस तरफ चला गया, तो नेट चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी जीरो हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, यहां इसमें से कोई भी किसी भी टाइप का कोई करंट हमें फ्लो होता हुआ एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये आता है फर्स्ट केस। ये हमने क्यों स्टडी किया है ये मैं आपको अभी फर्दर, जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें एवरेज निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से एक कंडक्टर लेता हूं, अभी मैंने विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर लिया, अब मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं एक कंडक्टर के ऊपर और उसको यूज में लेता हूं। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये एक कंडक्टर है, ये लीजिए, इस तरीके से मैंने एक कंडक्टर बनाया यहां पे ये। अब मैंने इसका ये वाला एंड एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये की लगा दी मैंने यहां पे, और ये वाला जो एंड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन ये हो गई है आई, और इधर ये करंट की डायरेक्शन हमने शो कर दी। अब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। सपोज करते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कंडक्टर में वो एन है, कितने हैं, एन कंडक्टर हैं, और कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमने ले ली एल, कैपिटल एल। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमने मान लिया ए, एरिया ए इस तरीके से, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमने ले लिए एन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज एन, ये हमने लिया यहां पे। अब जैसे ही मैं यहां पे की में डॉट डालूंगा तो जो जिगजैग मोशन हो रहा था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी उस केस में, जैसे इसके अंदर जिगजैग मोशन हो रहा था जो अभी हमने स्टडी किया है, वो जिगजैग मोशन एक लीनियर मोशन में बदल जाएगा। दैट मींस, ध्यान से सुनिए आप लोग, जैसे ही की यहां पे अप्लाई की तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो ये हो जाएगा आपका इस तरफ टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन हुआ है इस तरफ उससे इनको एक फोर्स मिलेगा जिसको हमने एफ से डिनोट कर दिया, जिसकी डायरेक्शन भी यही होगी आपकी, एफ की डायरेक्शन भी इसी साइड में होगी, ये वाली चीज है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है इस एंड से इस एंड की तरफ, वो जो फ्लो है वो जो बहाव है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहाव, बहना, ड्रिफ्टिंग मतलब बहना और ड्रिफ्ट का मतलब बहाव, किसका बहाव, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव इस एंड से इस एंड की ओर हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेलोसिटी होगी और उन डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज का हमें एवरेज निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो वो कैसे निकलेगा ये हम बात करने वाले हैं अभी इस टॉपिक के डेरिवेशन में कि किस तरीके से वो हमें निकालना है। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आती है इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें मैं आपको बताता हूं कि वेलोसिटी अंडर एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, देखिए आपने मोशन की इक्वेशन पढ़ी है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, सिंस वी नो दैट वेलोसिटी अंडर एक्सेलरेशन, इसके लिए इक्वेशन हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही थी तब हमने आपको बताया था जिगजैग मोशन को एग्जांपल लेके कि इनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो आती है, नेट वेलोसिटी जो है वो इनकी कितनी आती है, जीरो। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम इस केस में जीरो मान सकते हैं। अब यहां पे आप शो कर सकते हैं इफ देन वी इज इक्वल्स टू 80, ये आपके पास में एक इक्वेशन आई जिसको मैंने नंबर वन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको दिया। अब हम बात करेंगे
एक नए केस की। वो नया केस क्या है वो ध्यान से सुनिए आप लोग। वो नया केस ये है कि ये जो टी है, ये जो टाइम है, इस टाइम को हमें इसके अंदर कंसीडर करना है। और ये जो टाइम है, इस टाइम को अगर हम कंसीडर करेंगे तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो उस रिलैक्सेशन टाइम के लिए देखिए आप लोग, मैं बताता हूं आपको। रिलैक्सेशन टाइम के लिए हम इसको टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉ इसका सिंबल है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन करना शुरू करता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इस एंड से इस साइड में, तो वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलती है, उसको फोर्स मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड से। उस फोर्स को गेन करके वो इलेक्ट्रॉन एक स्पीड के साथ में मोशन करता है और जाके दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन से कॉलिजन करता है। कॉलिजन के बाद में उनका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अदर पाथ में चलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इस वजह से वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा, फिर दोबारा से एक अदर डायरेक्शन में जाएगा और फिर एक और इलेक्ट्रॉन को जाके स्ट्राइक करेगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ये जो सिस्टम है ये चलता रहता है। अब होता क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है रिलैक्स होने का टाइम। मतलब कोलिजन, जब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के इसके पास जाएगा, सपोज कीजिए कि यहां पे ये कोई डिस्टेंस है आपकी डी, इस इलेक्ट्रॉन ये डी डिस्टेंस कवर करके इसके पास जाके इसको स्ट्राइक करेगा, इसको कोलाइड करेगा, कोलिजन करेगा इसके साथ में, तो ये जो डी डिस्टेंस का जो टाइम डिस्टेंस के अंदर जितना टाइम पीरियड वो लेता है वो इसका रिलैक्स टाइम होता है, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड बनता है इलेक्ट्रॉन्स का, उस टाइम पीरियड को हम रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से चला और ये यहां पे जाके इसने इसको स्ट्राइक किया, इसको हिट किया, इसको कोलिजन किया, उसके बाद में यहां से लेके यहां तक जब वो पहुंचा तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है जिसमें वो रिलैक्स था, उसने कोई कोलिजन नहीं किया था, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम और उसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, अब सुनिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो होता क्या है वो सुनिए। अब यहां तक हम पहुंचे, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में n। अब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, और उस डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम के लिए। लेट द रिलैक्सेशन टाइम पीरियड फॉर द एन इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर is T1, T2, T3 and so on, TN respectively। ये हमारा एक रिलैक्सेशन टाइम पीरियड के लिए छोटा सा स्टेटमेंट हो गया। अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इस टाइम का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि जैसे यहां से लेके यहां तक एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में
वन माइक्रोसेकेंड, टू माइक्रोसेकेंड या थ्री माइक्रोसेकेंड का टाइम लेता है, तो हमने अलग अलग के लिए निकाला तो उसका एवरेज आया मान लीजिए 10 माइक्रोसेकेंड या 2 माइक्रो या 3 माइक्रो, कुछ भी आया तो उसके लिए हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। और उस एवरेज के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे देखिए एवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है। जैसे हम इसके कंप्लीट रिलैक्सेशन टाइम को टो से रिप्रेजेंट करें तो टो इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस एंड सो ऑन प्लस TN अपॉन N। ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम आ गया इसके लिए। इज दैट क्लियर? ओके, अब इस इक्वेशन को मैंने बनाया सेकंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी यूज हो रहा है। अब ये एक्सेलरेशन जो है, इस एक्सेलरेशन के लिए भी हमें एक फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में क्या होगी। उसके लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए एक्सेलरेशन के लिए नॉर्मली जो हम न्यूटन के जो सेकेंड लॉ का जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है, सिंस वी नो दैट F इज इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड a इज इक्वल्स टू F बाई m। ये एक फॉर्मूला a का निकल के आया एक्सेलरेशन का, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बनेगा, तो उस फोर्स के लिए मैं फॉर्मूला यहां पे डेराइव करता हूं। देखिए बट F इज इक्वल्स टू QE, क्यों होता है ये? सिंस E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, इसकी वजह से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है आपके पास में, जिसकी वजह से F निकालेंगे तो ये बनेगा। अब यहां पे जो चार्ज आ रहा है Q, इस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहां पे चार्ज पार्टिकल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहां पे शो कर सकते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस EE, इस तरीके से, ठीक है। ये बना आपका, तो ये F की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई, इसको मैंने बनाया फोर्थ नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस फोर्थ नंबर इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूं इस थर्ड नंबर इक्वेशन में, तो मेरे पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए यहां से देखते हैं, इस साइड में देखिए आप, नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों इक्वेशंस को यूज में लिया तो क्या बनेगा, देयर फोर ए इज इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन एम। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है हमारे पास में, जिसको मैंने इक्वेशन बनाया यहां पे फिफ्थ नंबर। अब ये जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है जिससे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस v इज इक्वल्स टू 80 में हम t की और a की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो यहां से देखिए आप लोग, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे, पहले वैल्यू डाल रहे हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड फर्स्ट, दोनों को यूज में लिया, देन v इज इक्वल्स टू यहां से माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टी, ये चीज आ गई। अब ये एक इक्वेशन आई है जिसको हम बना सकते हैं सिक्स्थ नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में लेके आना है आपको, और एवरेज वेलोसिटी की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये एवरेज वेलोसिटी और ये टाइम जो है इसके साथ में, ये भी एवरेज टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए वी ए वी, ए वी मतलब एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टो, ये इक्वेशन बनी आपकी सेवंथ नंबर। इज दैट क्लियर? अब इस एवरेज वेलोसिटी को आप किस किस की फॉर्म में आइए, ये देखिए आप, ये एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आई है जो कि एक्सटर्नली इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। किसके ऊपर? इस कंडक्टर के ऊपर, जिसमें नंबर ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलने वाले फोर्स की वजह से टुवार्ड्स द मोशन ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मोशन कर रहे हैं। तो
बनने वाली जो एवरेज वेलोसिटी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन के तौर पे बताई थी। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा इसका, देखिए यहां से वी डी, डी फॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन एम इंटू टो। ये आपकी एवरेज, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई है। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंसी की। किसकी बात करेंगे, डिपेंडेंसी कि इसकी डिपेंडेंसी जो है, किसकी डिपेंडेंसी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिपेंडेंसी वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला जो है उसमें साफ नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए आप लोग। इसके अंदर ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड और टो रिलैक्सेशन टाइम। तो इसकी जो डिपेंडेंसी है, किसकी डिपेंडेंसी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, अगर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कर दी जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, उसकी बात सुनिए। अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको बहुत ही ध्यान से सुनना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको ध्यान से सुनिए आप। डिपेंडेंसी ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ई ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को मिलने वाला फोर्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स इनको मिलेगा उतना ही ज्यादा स्पीड से ये यहां पे मोशन करेंगे, उतनी ही ज्यादा इनकी ड्रिफ्टिंग जो है उतनी ही ज्यादा इसकी हो जाएगी। इज दैट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टो रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जितना इनका ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने का मतलब है कि जो आपका जो कोलिजन रेट है वो घट जाएगी। कोलिजन रेट घटने की वजह से क्या होगा, कोलिजन रेट घटने की वजह से इसका जो ड्रिफ्टिंग है, इसका जो बहाव है इलेक्ट्रॉन्स का, वो इंक्रीज हो जाएगा और आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये फैक्टर आता है। अब इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी आता है, वो फैक्टर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर, मतलब किस तरीके से टेम्परेचर इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इफेक्ट करता है, इसके लिए हम सबसे पहले वापस चलते हैं, थोड़ा सा बैक में हम चलते हैं रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। सुनना, ये पॉइंट भी एकदम नोट करने वाला है, माइंड इट, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको। रिलैक्सेशन टाइम, अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती है, ओके, अभी अभी डिस्कस किया आपने। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, क्या करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलेगी, और अगर थर्मल एनर्जी इनको ज्यादा मिलेगी तो ये बहुत तेजी से यहां पे फ्लो होंगे, और अगर ये तेजी से फ्लो होंगे तो इनके बीच में होने वाले कोलिजन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, और कोलिजन की रेट अगर बढ़ जाएगी मतलब ये फास्ट मूव करेंगे, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो जल्दी से कवर करेंगे, और जल्दी से कवर करेंगे तो जल्दी कोलिजन करेंगे, तो इनका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, इस रिलेशन में हमें साफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होती है और रिलैक्सेशन टाइम भी डिक्रीज होता है, ये पॉइंट भी हमें नोट करना है और याद रखना है, बिल्कुल एकदम माइंड में सेट करके रखना है इस चीज को। तो ये बात कर रहे थे हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, हाँ तो हम बात कर रहे थे।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एक तो ये अपना न्यूमेरिकल है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए लिख रखा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, वो क्या है वो देखिए। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका आया VD इज इक्वल्स टू माइनस EE अपॉन M इंटू टो, ये फॉर्मूला है। इसमें ये जो नेगेटिव सिंबल है, कौन सा सिंबल? नेगेटिव जो सिंबल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव सिंबल किस चीज को इंडिकेट करता है ये बताता हूं मैं आपको। इसको बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है ये। ये नेगेटिव सिंबल यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से यूज हुआ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के हमेशा ओपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग होगी। ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन ये होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो उसी केस में करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम लोग लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन ये होती है। यही रीजन है जिसकी वजह से हम हर बार किसी भी सर्किट में शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो रेट होती है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट को शो करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट जो सर्किट डायग्राम बनाया था उसमें भी हमने ऐसा ही शो किया था। अगर हम बात करें यहां पे किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको शो कर सकते हैं EE अपॉन M इंटू टो। यहां पे नेगेटिव का सिंबल हम यहां पे रिमूव कर सकते हैं अगर मैग्नीट्यूड के लिए हम बात करें। लेकिन ये नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग की डायरेक्शन को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट में होती है। ठीक, अब हम ये न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करेंगे जो हमने लिखा है यहाँ पे। देखिए क्या है न्यूमेरिकल आपका, न्यूमेरिकल है फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, देन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर द कोलिजन इज 10⁻⁶ सेकेंड। ये आपका न्यूमेरिकल है। फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आंसर करते हैं, देखिए आंसर, जैसे VD आपको फाइंड करना है। गिवन क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू गिवन है 2×10⁴ वोल्ट मीटर, और रिलैक्सेशन टाइम टो आपको गिवन है 10⁻⁶ सेकेंड। ये चीजें आपको गिवन है, और अब आपको VD निकालना है। तो VD इज इक्वल्स टू माइनस EE अपॉन M और इंटू टो, ये फॉर्मूला होता है आपका जो अभी अभी मैंने लिखा था। लेकिन अब हम यहां पे एक मैग्नीट्यूड को शो करने वाले हैं जिसमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो इस नेगेटिव सिंबल को यूज में नहीं लेंगे। तो हम यहां पे वैल्यू डालेंगे, तो वी डी इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू, दैट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम इंटू ई की इलेक्ट्रिक फील्ड है 2×10⁴ वोल्ट पर मीटर अपॉन एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1×10⁻³¹ केजी, और ये वोल्ट पर मीटर और ये कूलम, और इंटू टो क्या है 10⁻⁶ सेकेंड। ये आपकी हमने वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, VD इज इक्वल्स टू यहां से देखिए 1.6×10⁻¹⁹ और प्लस 4×2 और ये 10⁻⁶ भी यहां पे यूज ले लेते हैं, माइनस 6 और इंटू 2, ये लीजिए सारी पावर्स को एक जगह कर दिया हमने, माइनस की 25 हो गई और ये हो गई। अब यहां से देखिए 9.1×10⁻³¹ VD इज इक्वल्स टू, अब इनको सोल्व करेंगे तो ये बनती है आपकी नेगेटिव 25 माइनस 4 माइनस की 21, 1.6×10⁻²¹ इंटू 2 अपॉन 9.1×10⁻³¹ इज इक्वल्स टू 1.6×10⁻²¹ और प्लस 31। इसको ऊपर ले आए हम लोग और यहां से देखिए इंटू 2, ये वाला 2 लगा दिया यहां पे, ये जो 2 है, अब यहां से 9.1 इसको सोल्व कर लेंगे
तो वी डी इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी, देखिए ये 3.2 हो गया ऊपर अपॉन 9.1, सोल्व करते हैं पावर बच गई 10, तो सोल्व करेंगे तो आंसर बन जाएगा यहाँ से 3.2 × 10⁻¹⁰ अपॉन 9.1। इसको सोल्व किया वी डी इज इक्वल्स टू, देखते हैं कितना आता है, ये बन जाएगा 3.5 × 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, इतना बन जाएगा ये। ये आपका आंसर आ गया है जो कि हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करके देखा है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बनने वाली कुछ अदर जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो बनती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वो कौन सी है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है वो। हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोबिलिटी, मोबिलिटी इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं मोबिलिटी को, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसका किसका रेशियो, जैसे हम लोग यहां पे डिनोट करें म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की है आपने, ये होती है मोबिलिटी को डिफाइन करने का मेथड। अब यहां से अगर वी डी की वैल्यू निकालें हम लोग, वी डी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, इसको इक्वेशन वन पुट किया तो वी डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू ई, इसको इक्वेशन सेकेंड पुट किया, इज दैट क्लियर। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फर्स्ट केस में, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर, ये है यूनिट है, यूनिट है, उस केस में क्या होगा, देयर फोर म्यू इज इक्वल्स टू वी डी। ये भी मोबिलिटी की डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इससे भी ये हमारे पास में एक इक्वेशन आई है। अब इसके साथ साथ अगर हम इस मोबिलिटी को इसकी यूनिट बनाए, मोबिलिटी की यूनिट, तो वो क्या बनेगी, देखिए ऐसा ही यूनिट बनाते हैं हम लोग मोबिलिटी की, ऐसा ही यूनिट इसकी यूनिट बनाते हैं, देन म्यू इज इक्वल्स टू वी डी, वी डी किस में होता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड, और ई किस में होता है वोल्ट पर मीटर में, ये इसकी यूनिट है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू, ये ऊपर चला गया मीटर अपॉन वोल्ट, इन दोनों को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये हमारे पास में इसकी यूनिट बन गई है, जिसको हम इसकी एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं। अब अगर इसको हम इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं तो मीटर का बना देंगे पहले एल स्क्वायर बन जाएगा, वी वोल्ट है वोल्ट, वोल्ट के लिए पोटेंशियल की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और एस फोर सेकेंड के लिए लिखेंगे, ये सेकंड है आपका, सेकंड के लिए लिखेंगे टाइम टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है इसका वो बन जाएगा, देखिए एम माइनस वन एल जीरो टी टू, डायमेंशनल फॉर्मूला एम माइनस वन एल जीरो टी टू टी माइनस टू और ऊपर ये गया, और ए माइनस वन ये बनेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी माइनस वन नहीं आएगा, माइनस वन नहीं आएगा सॉरी, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, अब अगर हम बात करें किसकी, इस मोबिलिटी की, इस मोबिलिटी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ से निकल के आया वो बताता हूँ मैं आपको एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, क्या होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हमारे पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये देखिए वी डी इज इक्वल्स टू ई ई ई अपॉन एम इंटू टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ई के, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हम इस इक्वेशन को अगर ऐसे डिनोट करें वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो अब अगर हमें इसको इक्वली लेना है तो हम एक कांस्टेंट को यूज में लेंगे इज इक्वल्स टू म्यू ई, म्यू ई। और ये म्यू क्या है, ये म्यू एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, मोबिलिटी बोलते हैं इसको, यही है हमारी मोबिलिटी। तो ये एक इक्वेशन हमारे पास में बनी है और ये पहले से भी ये इक्वेशन हम यहां पे बना चुके हैं। ये होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने यहां से ऑब्जर्व किया है, यहां से हमने इसको सोल्व किया है। अब हम आगे चलते हैं इस मोबिलिटी के लिए। तो मोबिलिटी जो है इससे अगर हम बात करें तो मोबिलिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वीडी और ई के ऊपर। मोबिलिटी नेवर डिपेंड्स, मोबिलिटी नेवर डिपेंड्स अपॉन वीडी एंड ई, इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। अब इसको अगर हम एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करके और फिर अगर हम इसको एक कॉन्स्टेंटली वैल्यू की तरफ फाइंड करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं दो एक्सिस लेता हूं इस तरीके से, ये ली मैंने दो एक्सिस, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ये लीजिए यहां पे। अब हमने इसकी इस एक्सिस के ऊपर वीडी ले लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस एक्सिस पे हमने ई ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चीज हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मिलने वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पास होती है कहां से, ओरिजिन से। अब अगर हम इसका स्लोप निकालें, स्लोप निकालें तो वो जो स्लोप निकलेगा उसको हम दिखा सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई इज इक्वल्स टू म्यू। ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा हमें जिसको हम मोबिलिटी से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो जो फॉर्मूला हम यूज ले रहे हैं उसमें अगर मोबिलिटी की वैल्यू डालें, जैसे ये फॉर्मूला है आपका, ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में अगर हम वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई को रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, देखिए, नाउ यूजिंग वी डी इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम इंटू, सॉरी टो को यहां यूज में ले लिया और यहां पे ई को यूज में ले लिया, इस तरीके से इसको लिख दिया मैंने। सिंस वी डी इज इक्वल्स टू क्या है, यहां पे देखिए म्यू ई होता है, ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा म्यू ई इज इक्वल्स टू यहां से ई टो अपॉन एम इंटू ई, और ये ई से ई कैंसिल कर दिया तो म्यू का फॉर्मूला बन गया आपका ई टो अपॉन एम। ये भी मोबिलिटी का ही फॉर्मूला है। किसकी फॉर्म में है ये रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में है, और ये जो फॉर्मूला हमने मोबिलिटी का निकाला था कहां गया वो, सॉरी, हाँ ये फॉर्मूला जो मोबिलिटी का है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो से बना है, और ये फॉर्मूला रिलैक्सेशन टाइम से बना है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम एक चीज के बारे में और भी डिस्कस करेंगे, वो कौन सी है, फाइनली मैं आपको बताता हूं इस टॉपिक में और क्या बच गया है वो। अगर मैं ग्राफ यहां पे ड्रॉ करूं इसके और इस क्वांटिटी के बीच में, अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, म्यू के, म्यू मतलब मोबिलिटी के। तो एक ग्राफ बनाया हमने इस तरीके से, ये लीजिए, और ये हमने एक ओरिजिन लिया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आपकी, इसके एक्स एक्सिस पे हमने मास को रिप्रेजेंट किया एम मतलब मास, और यहां पे हमने मोबिलिटी को रिप्रेजेंट किया म्यू को। तो बनने वाला जो ग्राफ है वो ऐसा होगा, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल को शो करेगा इस तरीके से, ऐसा ग्राफ बनेगा आपका इस तरीके से। और इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए मैं एक इक्वेशन बना के बताता हूं आपको।
तो इसमें ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टो उसका रिलैक्सेशन टाइम, अगर ये दोनों क्वांटिटी अगर हमारी कांस्टेंट हो तो उस केस में हम लोग क्या बना सकते हैं, उस केस में हम बना सकते हैं कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एम के। इक्वेशन ये म्यू ई के लिए दिखाएं, ये इलेक्ट्रॉन के लिए, एक तो ये इक्वेशन बन सकती है, एक म्यू पी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम पी, ये दो इक्वेशन बनी आपकी। अब इसको एक नंबर बनाया, इसको दो नंबर इक्वेशन बनाया। अब हमें यह देखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से दोनों में से ज्यादा मास किसका होता है। तो हमें पहले से पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो म्यू पी की वैल्यू जो है वो कम होगी किससे, म्यू ई से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे कम है, तो म्यू ई की वैल्यू इस म्यू पी से ज्यादा होगी। तो हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे तो म्यू ई ग्रेटर देन बनेगी म्यू पी से, जिसका रीजन हमारे पास में ये वाली चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन की वजह से। ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें और ऊंची ऊंचाइयों तक आप पहुंचें। स्टे होम, सेफ होम, थैंक यू, थैंक्स अलॉट एवरीबॉडी।